हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पी कॉर्न। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, तो आप इसे घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मकई ले लिया है, तो ये कच्चे वाले मकई है। आप इस सीज़न में बना सकते हैं जब आपको मिले, अगर ये नहीं है तो फ्रोजन वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्रेश मिला हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसका हम पहले दाना निकाल लेते हैं। तो दाना पहले आप चाकू से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और इसके बाद आप हाथों से इसे निकाल सकते हैं। एक बार इसका एक लाइन निकल जाती है, उसके बाद ये बहुत ही आसानी से सभी के सभी निकल जाते हैं और पूरे के पूरे दाने निकलते हैं। और ये तरीका आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप इस तरह से चाकू से कट कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि थोड़े से दाने कट के निकलते हैं, लेकिन आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपको भुट्टे के दाने निकालने हैं। अब हम इसको एक बार धो के, इसको मैंने सस्पेन में ले लिया है जिसके अंदर हम इसे बॉईल करेंगे। तो साथ में हम इसमें नमक डाल देंगे, जिससे हल्का सा नमक भुट्टे के अंदर आ जाए। तो इसको हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका उबलने में ये ऊपर के साइड भी आ जाते हैं जब ये पक जाता है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको छान के ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है और ये हल्के से ठंडे भी हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ को क्रश करके इसमें डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी डाला था। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे क्रश करके, बहुत ही थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची, लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप अगर मसाले और गार्लिक नहीं पसंद करते हैं तो आप सिंपल कॉर्नफ्लावर और नमक डाल के इसे फ्राई करें, जनरली वही किया जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें भी फ्लेवर चाहिए इसलिए मैंने बाकी की चीज़ें ऐड की है। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैंने पहले डाल दिया था, उसके बाद इसे मिक्स किया। जो उसका पानी था कॉर्न पे लगा हुआ, पहले उसी के साथ मिक्स करें। अगर कम पड़े तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिएगा ड्रॉप के हिसाब से। देख रहे, इस तरह से आपको पहले एक पतली कोटिंग करनी है, उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसके दाने पूरे अलग अलग हो जाएंगे और चिपकेंगे नहीं। इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है, मीडियम गर्म करने हैं। इस तरह से चेक करना है आपको, एक डाल के देखिएगा, ऊपर आ जाना चाहिए, बुलबुले बनने चाहिए। आपका तेल रेडी रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर की परत बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। गोल्डन हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए और इसी तरीके से हम बाकी सभी कॉर्न को फ्राई करके ले लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है जिसमें एक छोटा चम्मच बटर डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके इसमें डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में एक हरी मिर्च को भी कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे, इसके बाद हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, आधा कैप्सिकम डाल देंगे और थोड़े से गाजर डाल देंगे। आपको आपके पास जो वेजिटेबल है, चाइनीज़ में जो डलती है, उस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। इसको 1 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें क्रिस्पी कॉर्न को डाल देंगे जिसे हमने फ्राई किया था। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से मसाले डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, साथ में 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला इसमें डाला है। इन सबको मिक्स करेंगे, गैस को बंद कीजिए और इसके बाद इसे सर्व कर लीजिए। आप चाहिए तो बिना इसे तड़के के भी कच्चा भी मिला के इसको खा सकते हैं। इसके साथ में प्याज और कैप्सिकम सभी चीज़ों कच्चा डाल दीजिए और मिला लीजिए मसालों के साथ में। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।